आज की कहानी का नाम है सच्चा दोस्त। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल के पास एक गांव था। उसमें दो मित्र रहते थे। उनका नाम था कुमार और केदार। दोनों बचपन से ही एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। एक दिन वे जंगल में सैर करने के लिए निकले और हंसते खेलते जंगल के गहरे भाग में चले गए। अचानक उन्हें एक विशाल भालू नजर आया। भालू को देखकर कुमार बिना विचार किए एक पेड़ पर चढ़ गया और केदार को नीचे छोड़ दिया। केदार पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। समझदारी दिखाते हुए जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरा हुआ होने का नाटक किया। भालू धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान के पास अपनी नाक लगाकर सूंघने लगा। केदार एकदम शांत रहा। भालू को लगा कि वो मर गया और वो चला गया। जब भालू चला गया, कुमार पेड़ से नीचे आया और केदार से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कहा? केदार ने उठते हुए जवाब दिया, उसने मुझे कहा कि सच्चे मित्र हमेशा साथ देते हैं। यह सुनकर कुमार को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। उससे एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र का अकेले खतरे में छोड़ दिया था। इस घटना से कुमार को सबक मिला और उसने केदार से माफ़ी मांगी। इससे हमने क्या सीखे? सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे, ना कि मुसीबत के वक्त खुद अपने बचाव करे और हमें अकेला छोड़ जाए।